हमारे पास यूनिट लेक्चर नंबर 32। यूनिट नंबर 5 है आपके पास टॉपिक लाइट, और सब टॉपिक में आज हमें डिस्कस करना है एक्लिप्स ऑफ सन, ओके, यानी कि सूरज ग्रहण को आज हमने डिस्कस करना है। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि हम फाइंड आउट करें एक्लिप्स क्या है। द शैडो ऑफ हेवनली बॉडीज गिव राइट टू एक्लिप्सिस, किसी भी हेवनली बॉडी का जो शैडो होता है, साया होता है, वो एक्लिप्स की वजह बनता है। अगर हम बात करें नेचर में, एक्लिप्सिस ऑफ द सन एंड द मून अकर एज अ रिजल्ट ऑफ द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द मून, द सन एंड द अर्थ, इनकी जो डिफरेंट पोजिशन होती है उस हिसाब से हमारे पास एक्लिप्सिस बनती है। ओके, हम डिस्कस करेंगे सोलर इक्लिप्स और जो है हमारे पास लूनर इक्लिप्स, यहाँ पे हम इसे कहते हैं इक्लिप्स ऑफ मून, इसको हम डिस्कस करेंगे। मून एंड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन वंस इन 365 डेज, द मून ऑल्सो मूव्स अराउंड द अर्थ वंस इन एवरी 28 डेज। ये आपको पता है कि 365 दिन जो है लगते हैं जो जमीन को सूरज के लिए घूमने में, और अगर हम चांद की बात करें तो वो जो है 28 डेज में अपना एक सर्कल कंप्लीट करता है, जिस की वजह से जो है हमारा मंथ बनते हैं। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट दीज आर द टाइम्स, अगर हम एक्लिप्स सोलर एक्लिप्स की बात करें तो ये किस तरह होता है, द मून स्टॉप्स द लाइट ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ, अंडरस्टैंड, दिस मीन्स दैट द सन कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द अर्थ, दिस इज एन एक्लिप्स ऑफ सन। क्या होता है इसमें कि जो मून होता है, चांद होता है, वो क्या करता है, लाइट को स्टॉप कर देता है हमारी जमीन पे पहुंचने से, यानी कि सूरज जमीन और चांद जो है एक शेप में आ गए आपके पास, तो क्या होगा जो सन से जो है आनी है हमारे अर्थ की तरफ लाइट, उसके दरम्यान में जाना है हमारे पास मून, तो उसने क्या करना है हमारी यानी कि इसलिए वजह बन जाना है एक्लिप्स का, सोलर एक्लिप्स का, तो ये हमारे पास मेन रीजन होता है। उसने आके जो है ना, आपको पता है बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर लाइट का अगर हम बात करें, मेजर जो सोर्स है वो हमारे पास सन है, तो यहाँ पर फिर वो सोलर इक्लिप्स बन जाता है। लूनर इक्लिप्स या फिर हम एक्लिप्स ऑफ मून की बात करें, सो क्या होता है, द अर्थ स्टॉप्स द लाइट ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द मून। क्या हुआ, जो जमीन है उसने सूरज की रोशनी को मून पर पहुंचने से पहले के दरम्यान में एक बना दिए, कोई वजह हो गई तो जिसकी वजह से जो है सूरज की रोशनी वो हमारे मून पर नहीं पड़ती, दरमियान में जमीन आ जाती है। दिस मीन्स दैट द मून कैन नॉट बी सीन फ्रॉम द अर्थ, दिस इज एन इक्लिप्स ऑफ द मून, इसे हम कहते हैं कि इक्लिप्स ऑफ द मून है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इक्लिप्स ऑफ द सन। When the moon moves to the position between the sun and the earth, it throws a shadow on the earth. This shadow consists of the umbra and penumbra. Okay, दो terms के बारे में भी हम discuss करेंगे, umbra और penumbra क्या है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको discuss किया earlier कि जो है सन का जो है सन eclipse या फिर eclipse of sun किस तरह होता है, उसी तरह हम थोड़ा सा इसकी डिटेल को देखेंगे। ये इसके क्या होता है, जब मून मूव्स करता है पोजिशन में, यानी सूरज और जमीन के दरमियान आ गया है, ठीक है ना, तो हमारे जो सन से जो लाइट जानी है, सूरज की रोशनी जानी है, वो हमारी जमीन पे नहीं पड़ रही है, आप देख सकते हैं स्लाइड के ऊपर। फिर दो पोर्शन हमारे पास बन जाते हैं, एक अम्ब्रा होता है, एक पेनम्ब्रा होता है। अगर हम इनकी बात करें क्या होते हैं, सो पीपल ऑन अर्थ हू आर इन द अम्ब्रा रीजन कैन नॉट सी द सन एट ऑल, दिस सी व्हाट वी कॉल अ टोटल इक्लिप्स ऑफ सन, इसको हम कहते हैं कि इक्लिप्स ऑफ सन है। और अगर हम पेनम्ब्रल रीजन की बात करें, दोज इन द पेनम्ब्रल रीजन कैन सी ओनली पार्ट ऑफ द सन एंड वी से दैट दे सी अ पार्शियल इक्लिप्स ऑफ सन। सो ये हमारे पास क्या होता है, पेनम्ब्रल रीजन आ जाता है। ये हमारे पास था कॉन्सेप्ट, यानी बेसिक इसमें क्या होता है कि जब जमीन के और सूरज के दरमियान आपके पास मून आ जाता है, तो जो सन लाइट आनी होती है वो जमीन तक नहीं पहुंच पाती, उसका एक शेडो जो है हमारे सन के ऊपर आ जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये इक्लिप्स ऑफ सन है, सूरज ग्रहण हो जाता है। और ये अम्ब्रा और पेनम्ब्रा जो है ये दोस्त के दरमियान में शेडोज बनती हैं। ओके जी, गुड बाय।